हेलो चिल्ड्रेन, एज वी नो चैप्टर 7 ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी इम्प्रेस वॉज गोइंग ऑन। इन टूडेज क्लास वी विल फर्दर स्टडी द चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन एक तरीका है जिसके हेल्प से हम अपने इंफॉर्मेशन को या तो राइटिंग वे में या इमेज या ऑडियो वीडियो टेक्स्ट और एनिमेशन के हेल्प से ऑडियंस को शेयर कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वी विल यूज़ द सॉफ्टवेयर ओपन ऑफिस इम्प्रेस। हम लोगों ने देखा था कि ओपन ऑफिस इम्प्रेस को कैसे स्टार्ट करेंगे। जब हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, जब हम ओपन ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो हमें ओपन ऑफिस इम्प्रेस मिलेगा। हम उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा। देयर वी विल क्लिक एम्प्टी प्रेजेंटेशन, देन नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट वी विल सी प्रेजेंटेशन विजार्ड ओपन होगा एंड आफ्टर दैट अगेन वी विल क्लिक नेक्स्ट, देन वी विल सी एंड अनदर विंडो। वहां पे हमें इस तरह का विंडो ओपन होगा। वहां पर जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ओपन ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो जाएगा। ओके, लेट्स सी हाउ टू ओपन ओपन ऑफिस इम्प्रेस। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर ऑन कर रखा है। जब हम ओपन ऑफिस इम्प्रेस ऑन करना चाहें तो हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ओपन ऑफिस इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पे हम जब ओपन ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो हमें इम्प्रेस खोलना है। हमें क्या तैयार करना है? हाँ, प्रेजेंटेशन। तो लो, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो इस तरह का विंडो ओपन हुआ। देन जब हम इस पे नेक्स्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं प्रेजेंटेशन विजार्ड जैसे हमारे बुक में दिख रहा है। यहाँ से अगर हम चाहें तो बैकग्राउंड कुछ और भी सेट कर सकते हैं इफ़ वी नीड। देन अगेन वी विल क्लिक नेक्स्ट, तो ये हमारा अनदर विंडो ओपन हुआ, प्रेजेंटेशन विजार्ड एज शोन इन योर बुक। एंड आफ्टर दैट विल क्लिक हेयर, क्रिएट ऑप्शन हमें दिख रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो है वो ओपन हो गया। और जब ओपन ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो जाएगा तो इस तरह का स्क्रीन हमें दिखेगा। ओके, लेट्स सी। आर्या, दिस डायलॉग बॉक्स इज ऑफ ट्रांजिशन एंड डू यू नो व्हाट इज ट्रांजिशन। आर्या ने बोला ये तो ट्रांजिशन का डायलॉग बॉक्स है, आप जानते हैं ट्रांजिशन क्या है? एंड आई थिंक ट्रांजिशन इज कन्वर्सन ऑफ अ थिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द रोल ऑफ ट्रांजिशन इन प्रेजेंटेशन। आंट ने बोला कि मेरे हिसाब से ट्रांजिशन कन्वर्शन है किसी थिंग का दूसरे फॉर्म में, बट मैं श्योर नहीं हूँ। फाइव चम स्माइल ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ आंट एंड देन बसंती एक्सप्लेन ट्रांजिशन टू आंट। फाइव चम जो है वो स्माइल करते हैं आंट के आंसर पे और बसंती जो है फिर एक्सप्लेन करती है। ट्रांजिशन इज एन एनिमेशन इफेक्ट विच टेल्स हाउ अ स्लाइड्स अपीयर ऑन द स्क्रीन एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। ट्रांजिशन जो है एक तरह का एनिमेशन इफेक्ट है जो बतलाता है कि हमारा स्लाइड्स कैसे अपीयर होगा जब हम प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। तो आई विल एक्सप्लेन यू इट इन डिटेल। Do you know slide transition has option of effects and speed? Effect is the way in which animation appear, whereas speed is how fast the animation work. Slide transition जो है वो हमें option देता है effect और sound का। Effect से हम set कर सकते हैं कि हमारा transition कैसा appear होगा and speed हमें बतलाता है कि हमारा transition का speed कितना fast होगा कितना slow होगा।
सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ट्रांजिशन इफेक्ट फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स। हम लोगों ने देखा अभी कि जब हम प्रेजेंटेशन विजार्ड खोलेंगे तो इस तरह का हमें स्क्रीन दिखेगा, जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने दिखलाया। एंड व्हेन इफेक्ट इज क्लिक, अ ड्रॉप डाउन इज डिस्प्लेड शोइंग वेरियस ट्रांजिशन इफेक्ट्स। और जब हम इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वेरियस इफेक्ट ऑप्शंस हमें मिलेंगे, हम चाहें तो वहाँ से इफेक्ट भी सेट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो सेट कर सकते हैं, इफ यू डोंट नीड हम नहीं करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग द डिजायर्ड इफेक्ट, सेलेक्ट स्पीड फ्रॉम स्लो मीडियम फास्ट एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन। आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो सेट द स्पीड ऑल्सो, एंड उसके बाद जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वी विल सी हमारा इस तरह का विंडो अपीयर हो जाएगा, जैसे कि भी आप लोग को मैंने दिखलाया। एंड द नेक्स्ट हेयर इट इज हैंड्स ऑन, ट्राई आउट ऑल द ऑप्शन इन द बैकग्राउंड बॉक्स एंड देन फाइंड आउट नंबर ऑफ बैकग्राउंड ऑप्शन अवेलेबल इन ओपन ऑफिस इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर। आप लोगों को जितने बैकग्राउंड में इफेक्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं बैकग्राउंड ऑप्शन में, वो सारे आप लोगों को ट्राई करना है और लिखना है कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। ओपन ऑफिस इम्प्रेस ऑफर्स कितने तरह का इफेक्ट ऑप्शन हमें देता है वो भी आप लोगों को लिखना है। एंड द लिस्ट नेक्स्ट इज लिस्ट एनी 10 ऑप्शन गिवन इन इफेक्ट लिस्ट बॉक्स, और कोई भी 10 ऑप्शन आप लोगों को इफेक्ट लिस्ट बॉक्स में जाके देखना है कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और कोई भी 10 ऑप्शन आप लोगों को लिखना है। ऑब्जर्व द डिफरेंसेस इन देयर एनिमेशन, और आप लोगों को ऑब्जर्व करना है कि हम इफेक्ट ऑप्शन जब ट्राई करें तो क्या क्या डिफरेंसेस हमें दिख रहे हैं। ट्राई ईच ऑप्शन ऑफ बैकग्राउंड एंड राइट द नेम ऑफ एनी फॉर बैकग्राउंड विच यू लाइक मोस्ट। बैकग्राउंड ऑप्शन भी ट्राई करना है, और कौन सा 4 बैकग्राउंड आपको लोगों को अच्छा लगा यू हैव टू राइट हेयर। देन आर्या आस्क्ड आन टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, अ न्यू विंडो विल अपीयर एज शोन बिलो। और जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो हमारा अपीयर हो जाएगा। यू विल फाइंड 3 मेन पार्ट ऑफ द इम्प्रेस विंडो। पहला है स्लाइड पैन, इट हैज मिनिएचर व्यू ऑफ द स्लाइड, यहाँ पे स्लाइड्स का छोटा छोटा व्यू हमें दिखेगा। देन वर्क स्पेस, इट कंटेन द स्लाइड ऑन विच वी कैन राइट एज वेल एज एड इमेज ग्राफिक। ये वर्क स्पेस है, यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे स्लाइड्स पे वो हो गया हमारा वर्क स्पेस। द नेक्स्ट इज टास्क पैन एंड साइड बार, इट कंसिस्ट ऑफ आइकन टू स्पेसिफाई, दैट इज हम देख सकते हैं ये लेआउट है, यहाँ पे हमें कौन कौन सा ऑप्शन देखेंगे लेआउट। नेक्स्ट एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, मास्टर पेज, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, नेविगेटर एंड गैलरी। ओके आई विल अगेन शो यू हेयर। देखो मतलब मैं ऐसे क्लोज करती हूँ तो जब हम ओपन ऑफिस पे क्लिक करेंगे, जब हमें इम्प्रेस ओपन करें तो हम प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं बिल्कुल उस तरह का विंडो अपीयर हो गया जैसा कि आपके पेज नंबर 125 में दिख रहा है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड ऑप्शन मिल रहा है एज शोन इन द फिगर फर्स्ट इन पेज नंबर 126। यहाँ से मान लो मैंने कुछ हम सेलेक्ट किया तो हम उस पर क्लिक करेंगे, देन वी विल क्लिक अगेन नेक्स्ट, तो देखो सेम विंडो हमें दिख रहा है जैसा कि आपके बुक में दिख रहा है। देन नेक्स्ट, देन द नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन विजार्ड एज शोन इन योर फिगर 2 इन पेज नंबर 126। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहे हैं इफेक्ट्स
ओके देन स्पीड. देन लुक एट द पेज नंबर 127. जब हम इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें इतने सारे ऑप्शंस दिखेंगे. हम यहाँ से चाहें तो सेलेक्ट कर सकते कोई भी इफेक्ट जो हम अपने स्लाइड्स पे देना चाहें. अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू सेलेक्ट नो इफेक्ट, यहाँ से हम स्पीड भी दे सकते हैं, स्लो, मीडियम एंड फास्ट. मीडियम है. देन हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे. देन हम देख सकते हैं कि हमारा इस तरह का विंडो अपीयर हो जाएगा एज शोन इन फिगर 129. तो यू कैन सी हेयर, मैंने इम्प्रेस ओपन कर दिया. तो ये हो गया हमारा वर्क स्पेस जहाँ पे हम वर्क करेंगे. एंड दिस इज आवर स्लाइड्स पैन जहाँ पे हम देखेंगे स्लाइड्स के छोटे छोटे पिक्चर्स. एंड ये है हमारा टास्क पैन दैट इज साइड बार. तो यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा. पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें लेआउट दिख रहा है. द नेक्स्ट वी कैन सी कस्टम एनिमेशन दिख रहा है. देखो पहला देख रहे हैं यहाँ पे लेआउट. द नेक्स्ट कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, और बहुत से ऑप्शन हमें मिलेंगे. देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेआउट, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, टेबल डिजाइन, नेविगेटर. यहाँ से हम लॉक कर देंगे तो वो हमें नहीं दिखने लगेगा. बट अगेन हम देखना चाहें, मतलब मैंने ऐसे लॉक कर दिया था तो यहाँ पे वो आ गया. यहाँ पे हम देख सकते हैं अगेन ये हमारा यहाँ पे दिखने लगा. तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क कि हम कैसे ओपन ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करते हैं. एंड वी कैन सेट बैकग्राउंड साउंड एंड इफेक्ट ऑल्सो. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क. थैंक यू.